up guys, welcome to the 8th episode of our travel series Glowing in Goa, where we are sharing a relaxed 2 days itinerary for exploring the most colorful city of Goa and the capital city of course. So let's explore some amazing places in Panjim. गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज यहाँ पे हमारा दूसरा दिन है पंजिम में और हम लोग अभी 12 बज गए हैं लगभग, तो अभी हम लोग स्कूटी देख रहे हैं आज के और कल के दिन के लिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम लोग घूमेंगे। फाउंटेनस तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसके बाद देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने स्कूटी ले ली है, ये येलो वाली फसिनो। We have got it for 400 rupees for a day, और हम लोग 2 दिन के लिए ले रहे हैं। You can start off in the morning with the colorful Fontanus, which is a Portuguese-influenced neighborhood near Panjim. सो हम लोग वापस आ गए हैं 2020 के बाद फाउंटेनस। उस वाली ट्रिप में भी हम लोग ने वीडियो किया था इस जगह का, थिंग्स टू डू एंड प्लेसेस टू विजिट इन पंजिम, वो हमारे पुराने फूड ब्लॉग चैनल पे है। तो राइट नाउ वी आर फिल्मिंग फॉर दिस चैनल। यहाँ पे ऑथेंटिक गोवन डेजर्ट्स नहीं ट्राई किए हैं, तो वो हम लोग को ट्राई करना है फॉर द फूड ब्लॉग। फॉर लंच वी सजेस्ट यू कैन हेड टू दिस कोजी एंड ब्यूटीफुल कैफे दैट सर्व्स ग्रेट फूड, ड्रिंक्स, म्यूजिक, एंड इट्स 100% वुमेन ओन्ड कैफे। वी आर टॉकिंग अबाउट कैफे गोल्ड स्पॉट, व्हिच वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, एंड इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट ऑफ फ्रेंड्स इराम एंड समीरा। The cafe is very aesthetic, super cute, and a great place to chill during the afternoon. So, Panjim city mein aapko agar ek laid back, relaxed day spend karna hai, to Fontanus to aana hi chahiye. You can specially come here in the morning or in the evening time during sunset वगैरह, लेकिन rush तो यहाँ पे हमेशा रहता है and over the years यहाँ पे rush काफ़ी बढ़ गया है। हम लोग कई सारे lanes अभी motorized भी हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको आपके क्या बोलते हैं वॉकिंग ट्रैवलिंग में आपको तकलीफ हो, या तो फिर हर बार आपके बीच में एक व्हीकल आओ। अभी देखो ये फाउंटेनस ही है, यहाँ पे हमारे पीछे ऑटोज या ये जा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे लेंस भी हैं, प्राइवेट लेंस भी हैं, बट जहाँ जहाँ पे फोटोग्राफी मना है वहाँ पे ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। सो फाउंटेनस में अभी काफ़ी सारे कैफेज वगैरह चालू हुए हैं और कुछ तो कोविड के बाद भी चालू हुए हैं, तो इवन इफ़ यू कम टू दिस एरिया आपको रेस्टोरेंट्स ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे एस्थेटिक क्यूट कैफेज है यहाँ पे। And for more information, you can check out our food blog.
तो पेसिनो पे राइड करने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ के रास्ते भी काफ़ी स्मूथ है तो मज़ा आया। अभी जस्ट हम लोग दोनापोलो बीच या जट्टी के यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से सनसेट देखने का अवसर हमें मिला है तो देखते हैं कैसा मज़ा आता है यहाँ पे। और कई सारे यहाँ पे स्टॉल्स भी है तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे खाएंगे पियेंगे और आपको भी दिखाएंगे, मज़ा करेंगे। चलो तो अभी हम लोग डोनापोला जेट्टी एरिया में आ गए हैं एंड आई एम विजिटिंग दिस प्लेस फॉर द थर्ड टाइम। काफ़ी अच्छा व्यू है, होपफुली वील गेट अ गुड सनसेट फ्रॉम हियर एंड मेरा एक्चुअली मैंने इससे पहले देखा है, दिस इज अभिजीत फर्स्ट टाइम। यस, और काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे, एकदम अच्छी वाइब आ रही है और एकदम क्या बोलते हैं happening सब एटमॉस्फेयर है। Actually, we chose this place. Absolutely. Last trip में हम लोग डोनापोला नहीं आए थे, लेकिन काफ़ी सारा चेंज हुआ है क्योंकि मैंने बहुत पहले 5-6 साल पहले विजिट किया है ये प्लेस या फिर उससे भी ज़्यादा एंड काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं कोविड के बाद। अभी तो ये प्लेस आई थिंक सिंगम मूवी के शूटिंग के लिए फेमस है, लेकिन मैंने उससे भी पहले देखा था। सेम अमाउंट ऑफ क्राउड है बट ब्यूटीफुल, ये अच्छा है, इसको कलर वर्क वगैरह दिया है। आई सी सम चेंज। इट्स अ वेरी चिल एंड हैपनिंग प्लेस वेयर बोथ लोकल्स एंड टूरिस्ट्स कम टू हैंग आउट एंड हैव अ पीसफुल टाइम। डोनापोला के सबसे टॉप फ्लोर से काफी अच्छा व्यू दिखता है ओशन का। एंड दीज बंगलोज एंड द रेस्टोरेंट make it look even more charming. This is an amazing place to watch the sun dipping in the ocean because yahan pe aapko almost 360 degrees ka view milta hai ocean ka. Spending evening at such beautiful location is a dream. Mast hawa chal rahi hai. Bahut dur dur tak yahan se jahaj bhi dikh raha hai. Wo bhi hamara ek sapna hai ki कम से कम एक हफ्ते भर के लिए जहाज पे रहूं, समंदर में रहूं। और डोनापोला अगर आना है तो बेस्ट टाइम इज लाइक 5:36, लिटिल बिफोर सनसेट, और सनसेट के टाइम पे तो एकदम ही प्रिस्टीन लगता है, मतलब 360 डिग्री व्यू है ओशन का और काफ़ी अच्छा व्यू है एंड दिस इज़ बेस्ट एन्जॉयड ड्यूरिंग सनसेट, क्योंकि आप अगर आप उससे पहले आओ तो बहुत ज़्यादा धूप लगेगी एंड इट विल बी वेरी केओटिक एंड वेरी टायरिंग आई थिंक, राइट? परफेक्ट।
तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं जहाँ पे सिंघम फिल्म की शूटिंग हुआ था। ये देखो, वहाँ से वो अजय देवगन ने कुछ कंबा उखाड़ा था और फिर वो उसके पीछे पड़ा था। क्या नाम है उसका, आप नाम कमेंट में लिखिएगा किसके पीछे पड़ा था अजय देवगन। तो अगर सही हुआ तो आपको मिलेगा एक इनाम। देखो मुंबई के लोगों के लिए तो चाट कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पे आगे चाट खाने का जो हमारी मेमोरी था वो 4 साल तक थी। और शिवपुरी लिया है, वी आर नाउ वेरी मच एक्साइटेड टू एंजॉय दिस चाट। एक बार बताओ तो सही कैसा है। अरे चमचा ने खा इसने, एक झटके में एक पूरी खाया तो इनाम मिलेगा इसको। गिरा दिया, पैर गंदा किया। माय गॉड, वैसा ही टेस्ट है। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं रीस मकोस फोर्ट। शायद फोर्ट का एंट्री यही है। हाँ यही है, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं रीस मकोस फोर्ट में। एंड इस फोर्ट के एंट्री फीस है 50 rupees पर पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ पे हर कैमरा के अलग चार्जेस है। एंड तो हम लोग ने 250 rupees या 3 कैमरेज लाए थे। ये वाला कैमरा द GoPro है और ड्रोन था। एंड ड्रोन, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है एंड 10,000 भरने पड़ेंगे अगर उड़ाया तो। तो हमने ड्रोन और GoPro रख दिया है एंड वी आर यूजिंग ओनली दिस कैमरा। वी आर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, सो इन केस यू आर कमिंग यू शुड नो दिस इफ यू आर कैरिंग कैमरा। इट्स 250 पर कैमरा। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फोर्ट देखने। यस, जल्द से जल्द। सो वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट ऑल द थिंग्स। चढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अभी इतना ब्रेकफास्ट ठूसा है तो थोड़ा बहुत तो पचाना पड़ेगा ना। तो अच्छा हुआ ना हम लोग यहाँ पे आए। अभी यहाँ से जाएंगे फोर्ट होने के बाद एक और
ज़्यादा ये डेथ होल है, मतलब दिस वाज यूज्ड टू शूट और थ्रो हॉट ऑयल ऑन एनिमी। मतलब यहाँ पे तू जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे एनिमी को रखा होता है। अरे जगह की बदली, और ऊपर से शूट किया जाता था या तो गरम तेल से नहाया जाता था। So let me give you a little background about the Rees Mago's fort. Located on the bank of Mandovi River, about 2 miles away from the Fort Aguada, and it was constructed in 1551 by the Portuguese. For a short period, it was captured by the British army and it also served the purpose of a prison. By the way, this fort has been opened for tourists in the month of June 2012. अगर आप इस फोर्ट को विजिट करने का सोच रहे हो देन मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ द टाइमिंग्स एंड आल्सो इट्स क्लोज्ड ऑन मंडेज। गाइस लुक एट दिस स्पेक्टेक्युलर व्यू फ्रॉम दिस फोर्ट, दिस इज सो अमेजिंग, माय गॉड। And this is the fort, और ये एक तो फोर्ट के अंदर दो गैलरीज है, एक में फोर्ट की पूरी हिस्ट्री बताई गई है एंड अनदर गैलरी इज ऑफ पेंटिंग्स ऑफ मारियो मिरांडा विच इज हु इज अ पॉपुलर आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा एंड या यू कैन सी मैनी ऑफ हिज आर्ट वर्क्स ओवर हियर। गोवा के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पर मारियो मिरांडा के काफ़ी सारे पेंटिंग्स लगाए गए हैं। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो डेथ हॉल, उसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है। अच्छा, इज दिस द सेम पॉइंट? एब्सोल्युटली, दिस इज द पॉइंट। अभी हम लोग यहाँ के फेमस मारुति टेंपल के यहाँ पे पहुँच गए हैं। हाउएवर यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए सख्त मना है, तो मैं आपको जस्ट बाहर से ये दिखा दो। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर ये बस कुछ ही मिनट के दूरी पर है जो यहाँ का इमैनुअल चर्च है उससे, तो और यहाँ का एरिया भी काफ़ी शांत है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे नेचर भी, तो ज़रूर आइएगा अगर आप यहाँ पे आए। सनसेट देखने के लिए हम लोग गए थे पारा रोड विच वॉज फीचर्ड इन द मूवी डियर जिंदगी, और इस प्लेस के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, सो मेक श्योर यू विल वॉच द नेक्स्ट वीडियो। इन द इवनिंग वी विजिटेड द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च विच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पंजन सिटी। This Portuguese-influenced church was built in the year 1541 and it's one of the first ever built churches in Panjim. For evening snacks, you can have the popular rose omelette which is available at many places in Panjim. Before heading to our hotel for dinner, we also explored the casino area which looks stunning at night.
अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो विजिट द मीरामार बीच. सो गाइज, ये थी हमारी दो दिन की रिलैक्स्ड आइटनरी फॉर द सिटी ऑफ पंजिम. डू नॉट मिस दिस गॉर्जियस सिटी इन योर नेक्स्ट गोवा ट्रिप बिकॉज इट्स टोटली वर्थ विजिटिंग. And if you loved this video, then do not forget to subscribe to our channel and hit the bell notification, and we will see you in another travel video. Goodbye.